दोस्तों आप टाइटैनिक के बारे में तो जानते ही हैं। नहीं नहीं दोस्तों, मैं मूवी की नहीं बल्कि असली टाइटैनिक शिप की बात कर रहा हूँ। और क्या आप जानते हैं कि वो शिप अभी कहाँ है? दोस्तों वो शिप आज भी अटलांटिक महासागर में डूबा हुआ है। आज तक उस शिप को वहाँ से बाहर नहीं निकाला गया। 1910 में जब जहाज डूबा तब वो 4 किलोमीटर की गहराई में चला गया, और तब हमारे पास इतने विकल्प नहीं थे कि हम समुद्र के इतना अंदर जाकर उसे ढूंढ सके और इतने बड़े जहाज को बाहर निकाल सके। पूरे 70 साल बाद 1985 में पहली बार उस जहाज को ढूंढा गया और देखने पर पता चला कि टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से गल चुका है, और अगर अब उसे बाहर लाने की कोशिश की तो हमारे हाथ सिर्फ धूल ही लगेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में पाया जाने वाला बैक्टीरिया तेजी से टाइटैनिक के लोहे को खा रहा है, और उनका ये भी मानना है कि आने वाले 20-30 सालों में इसका मलबा भी दिखाई नहीं देगा, वो समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। और यही कारण है कि टाइटैनिक को आज तक समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया। दोस्तों अगर आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।